हेलो नमस्ते, सस्ती का लादा। मैं हूँ अनिल आदित्य। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टूडियो मॉनिटर या फिर एक्सटर्नल स्पीकर, कोई भी होम थिएटर वगैरह हो गए, मेनली स्टूडियो मॉनिटर की हम बात करेंगे। कैसे कनेक्ट करते हैं ऑडियो इंटरफेस के अंदर, जो हमारा फोकस राइट स्कारलेट है या फिर कोई भी ऑडियो इंटरफेस या साउंड कार्ड है हमारे पास, तो स्टूडियो मॉनिटर किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके जो पीछे है आपको देखने में आ रहा हो ये, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप या तो XLR के थ्रू कर सकते हो या फिर आप इसमें ले सकते हो क्वार्टर इंच TRS जो केबल है बैलेंस्ड। तो अभी मैंने बैलेंस्ड फॉर्म में कनेक्ट किया हुआ, या RCA केबल ले सकते हो। तो ये 1 2 3, इसमें 3 हैं, और बाकी जो आपके पास स्टूडियो मॉनिटर है तो उसमें डिपेंड करता है, बाकी नोब्स वगैरह तो अलग चीज़ हो जाती है। तो KRK Rocket 5 है ये स्टूडियो मॉनिटर, काफ़ी अच्छे मॉनिटर हैं जो होम स्टूडियो के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, पावर सबसे पहले आपको प्लग करनी होगी क्योंकि एक्सटर्नली पावर है और दोनों अलग अलग पावर कनेक्ट होते हैं। एक सिंपल आप एक से भी काम कर सकते हो, पर क्या स्टीरियो साउंड के लिए दो लेने पड़ते हैं। तो मैंने क्वार्टर इंच जो केबल है, एक बार दिखा देता हूँ मैं किस तरह की केबल है ये। तो ये जो केबल है ये मैंने सिंपल इसमें कनेक्ट करी, बहुत ज़्यादा ईजी है काम, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर की जो केबल है वो हमारा सिग्नल आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैस हो रखा है, पर मुझे पता है क्या करना है, ठीक है। तो इसके जो पीछे है दिखाता हूँ मैं आपको, ये लेफ्ट और राइट आउटपुट दिए हुए हैं, ठीक है। कईयों में क्या अलग अलग तरीके से दिए होते हैं, जैसे मैंने बताया पीछे उसमें और भी ऑप्शन है RCA वगैरह के, तो वैसे भी कनेक्ट कर सकते हो आप, पर वो बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस सिर्फ ये TRS वाला जो मैंने क्वार्टर इंच केबल जो कनेक्ट की हुई है। तो सिंपल आपने इसको इसके पीछे सेम जो क्वार्टर इंच केबल है जैसे ये देखने में आ रहा है ये करी कनेक्ट, और यू आर रेडी टू गो। बस कुछ नहीं करना, ऐसे सिंपल इसका लिया लेफ्ट वाले का, लेफ्ट वाले का इसमें इनपुट दे दिया। अब अगर आपको नॉर्मल होम थिएटर कनेक्ट करने हैं तो आप अगर हाँ अगर आप इसमें लेफ्ट वाले में कनेक्ट करोगे तो, क्योंकि ये मोनो सिग्नल या फिर एक साइड का सिग्नल देगा हमें, जैसे राइट वाले में सिर्फ राइट राइट का जा रहा है, लेफ्ट वाले में लेफ्ट लेफ्ट का जा रहा है, तो हमें होम थिएटर में क्या थोड़ी अजीब आवाज़ आ सकती है, कई बार तो बहुत खतरनाक आवाज़ खराब आवाज़ आ जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, होम स्टूडियो मॉनिटर तो लगाने हैं जहाँ पे लगते हैं वहीं, उनको इसे जुगाड़ नहीं लगाना, ठीक है। पर जो होम थिएटर है या फिर नॉर्मल स्पीकर है, जैसे मैंने ये छोटे वाले जो स्पीकर हैं वो लगाए हुए हैं क्योंकि ये वाले ऑफ कोर्स लाइट ज़्यादा खाते हैं, तो इसके हेडफोन वाले आउटपुट में मैंने ये एक जुगाड़ लगा के, ये है ये, क्योंकि इसमें तो जो आता है वो ये आता है 3.5 mm वाला। तो मैंने क्या किया, इसको ये क्वार्टर इंच वाला ये लिया कन्वर्टर, इसमें इसको लगाया ये इस तरीके से, और उसको लगा दिया इसके हेडफोन वाले आउट के अंदर, जैसे दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, ये रहा। तो उससे क्या हुआ, मेरा आराम से मैं अपने जब कुछ ऐसे प्ले वाले इसको प्ले कर रहा हूँ तो बहुत इजी हो जाएगा, ज़्यादा लाइट भी नहीं खाता और साउंड भी अच्छे देते हैं। अगर अगर होम जो है होम थिएटर है तो आप उस पर भी ये काम कर सकते हो। सो ये है आज के इस वीडियो में कि स्टूडियो मॉनिटर कैसे कनेक्ट करते हैं। ये तो दो है, दो से ज़्यादा कनेक्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको अगले वीडियोज़ में बता दूंगा, फिलहाल तो आपको दो ही काफ़ी हैं क्योंकि ये जो है साउंड कार्ड भी छोटा है और उतना ही लोड ये ले सकता है। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग वन एंड ओनली आदित्य, पूरे स्टूडियो टूर बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड ये मेरा ऑफिशियल चैनल वन एंड ओनली आदित्य, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैट, एंड इंस्टाग्राम फेसबुक सब वन एंड ओनली आदित्य के नाम से जाओ फैलाओ, एंड ये बार बार आते रहो मेरे चैनल पर।